स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी. सो टू प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है व्हाट आर द यूजफुल इफेक्ट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जितने ज़्यादा यूजफुल इफेक्ट्स हैं उतने ही ज़्यादा खराब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, राइट. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक और चीज़ को डैमेज करता है, दैट इज़ हमारा फूड अगर काफ़ी देर के लिए ओपन रह जाता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाते हैं और उस फूड को टॉक्सिक कर देते हैं, उस फूड को ख़राब कर देते हैं. और फिर अगर उसके बाद हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, राइट. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये होता है, उनका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है अगर बहुत पुरानी ब्रेड खा लेते हैं या फिर बहुत पुरानी कुछ सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं. स्पेशली जब हम बाहर खाने जाते हैं, घर के खाने से बहुत कम होती है. बाहर जनरली ये होता है कि थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन नहीं किया जाता और बहुत पुराना फूड है और उसी को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट थोड़ा ख़राब हो जाता है. उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. सो व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? इट कुड बी ड्यू टू द फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंस कॉजिंग द फूड पॉइजनस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनस हो जाता है. नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. तो अब हम क्या ऐसा करें कि जिससे हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व बचा के रख सकते हैं? तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं. अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि हम घर पे भी उन मेथड्स को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ये जो फूड स्पॉइलेज होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था, व्हाट आर द फिजिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज होती है और स्मेल आने लग जाती है. तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पे आके बैठते हैं, वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फूड में से स्मेल आने लग जाती है, फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, राइट. तो हम घर पे स्मेल करके देखते हैं ना कि ओरिजिनल स्मेल है या फिर स्मेल में चेंज हो गया. अगर स्मेल चेंज हो जाती है यानी वो फूड ख़राब हो गया, राइट. ब्रेड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड. मोस्ट कॉमन ब्रेड है. क्यों? क्योंकि ब्रेड पे हम देख सकते हैं, अगर ब्रेड काफ़ी टाइम के लिए बाहर ओपन रह जाती है, ब्रेड या फिर कुछ स्वीट्स बाहर ओपन रहती है तो उस पर फंगस आ जाता है. आपने वाइट कलर का कुछ देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप अपनी ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख सकते हैं और आप देखोगे उस पर कुछ वाइट कलर का फंगस आ जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब होता है हमारे स्टमक के लिए. तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज केमिकल मेथड्स. सॉल्ट, एडिबल ऑयल और एसिड आर प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पिकल्स टू चेक और टू प्रिवेंट. प्रिजर्वेटिव्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे तो उससे हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट, बचा सकते हैं. तो जो सॉल्ट, एडिबल ऑयल और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया या फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं, और वही सॉल्ट, एडिबल ऑयल एंड एसिड फूड को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाने से भी हेल्प करता है. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज इन द जैम एंड स्क्वैशेज. जो जैम्स होते हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होता है. ये सोडियम बेंजोएट नाम से नहीं मिलता, अलग अलग नेम से मिलता है. अगर तुम उनके अंदर देखोगे कि क्या उनमें इंग्रेडिएंट्स है तो उसमें तुम्हें यहाँ पर ये केमिकल्स दिखेंगे. तो ये हो गया केमिकल मेथड. नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है. प्रिजर्व मीट एंड फिश. जो भी मीट और फिश खाते हैं तो वो क्या करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, ड्राई फिश पे ऐसे शुगर की कोटिंग, सॉल्ट की कोटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते, ठीक है. तो मीट एंड फिश को सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि उस पर बैक्टीरिया ग्रो ना हो. ऑल्सो यूज इन आमला, रॉ मैंगो एंड द टैमरिन. इस पे भी, इनमें भी सॉल्ट डाला जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो हो. हमने ऐसा घर पे जनरली करते हैं. नेक्स्ट शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस प्रिजर्व्ड इन शुगर. जैसे सॉल्ट हमें बचाता है, हमारे फूड को बचाता है ख़राब होने से, वैसे ही शुगर भी, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस में शुगर का यूज़ होता है ताकि वो ख़राब ना हो.
शुगर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट। कैसे शुगर हेल्पफुल होता है, कोई भी चीज़ में शुगर अगर डल जाती है तो वो मॉइस्चर पानी के कंटेंट को थोड़ा कम कर देती है, और अगर पानी का कंटेंट कम हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, इनहिबिट मतलब रुक जाती है। तो शुगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने का काम नहीं करता, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। कैसे अब ग्रोथ रुकेगी, बाय इनहिबिटिंग पानी मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, राइट। तो ये हो गया शुगर। फोर्थ इज ऑयल एंड विनेगर, बेस्ट है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल बैक्टीरिया कैन नॉट लीव इन द ऑयल एंड विनेगर, बैक्टीरिया ऑयल और विनेगर में नहीं रह सकते, ऐसे ये एनवायरनमेंट ऑयल और विनेगर का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है। वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फिशेज आर प्रिजर्व्ड इन ऑयल एंड विनेगर। जैसे अभी अगेन क्वारंटीन है, कोरोना चल रहा है, तो उसके अंदर मेरी मम्मी क्या करती है कि जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनको काफ़ी देर के लिए 10 to 20 minutes के लिए विनेगर के अंदर रखती है, ताकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो, कोई भी वायरस हो, तो वो उसकी वजह से मर जाते हैं, राइट। तो ये जो विनेगर है बहुत ही अच्छी चीज़ है कोई भी वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए। तो विनेगर और ऑयल्स के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काफ़ी देर तक रखा जाता है। नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये तो हमने घर पे देखा ही होगा कि जो हमारी मम्मी है वो दूध को बॉईल करती है, ठीक है। हम क्यों डायरेक्टली मिल्क को कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि बॉईल करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उस मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। अब ऐसी क्या श्योरिटी है कि वहाँ मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो या ना हो, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। पर क्योंकि कैटल से हमें, काउ से हमें मिल्क मिलता है, और वहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो, इसीलिए हम दूध को बॉईल करते हैं ताकि उसके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर जाए। तो हीट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने का काम। सेकेंड, कोल्ड स्टोरेज, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ। कम टेम्परेचर क्या करता है, लो टेम्परेचर क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, राइट। सो हॉट क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करता है, और कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को रोकता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर एक पेस्चराइजेशन करके एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जो कि मिल्क पे यूज़ किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि मिल्क को पहले 70 degrees Celsius में 15 to 30 seconds के लिए उसको बॉयल करते हैं, एकदम बॉयल कर देते हैं, ताकि उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे मर जाए। उसके बाद उसको तुरंत ही कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर गए, अब उसके अंदर वापस से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ग्रोथ ना हो, राइट। तो ऐसे पेस्चर्ड मिल्क को हमें घर पे वापस से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, पेस्चर्ड मिल्क को हम डायरेक्टली घर पे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। क्या है वापस ये मेथड, 70 डिग्री तक इसमें बॉईल किया जाता है, ताकि सारे जो बैक्टीरियाज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, वो मर जाए। उसके बाद तुरंत ही कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ ना हो, राइट। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। आज जो हम पैकेट्स खाते हैं चिप्स के और ये सब, तो ये क्या है, स्टोरेज। आज ये शॉप्स पे मिलते हैं, तो ये अगर ओपनली मिलेंगे तो इस पर कोई भी बैक्टीरियाज या वायरस का ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको पैकेट्स में स्टोर किया जाता है, सील्ड पैक किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एयर के कॉन्टेंट में आती है, तो उसके बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ग्रो होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए उनको सील पैक किया जाता है, ताकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। सो द सील एयर टाइट पैकेट्स आर यूज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, राइट। सो यहाँ पर हो गया हमारा प्रिजर्वेशन, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ऑलमोस्ट इसमें टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्टेंट आ गए, पर ये एक बार वीडियो करने के बाद टेक्स्ट बुक भी गो थ्रू करना। Tomorrow will be the last video of this chapter, that is nitrogen fixation and nitrogen cycle. तब तक आप अपने chapter को complete करो, जो भी doubts वगैरह हो आप पूछ सकते हो।